दोस्तों, जानवरों के अतरंगी कांड तो आप हर जगह देखते हैं और ये बिल्कुल आम बात है, लेकिन कभी कभार यही जानवर कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जो अगर रिकॉर्ड न की गई होती तो उस पर कोई यकीन नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के ऐसे ही मोमेंट्स दिखाएंगे जो इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 23। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। भाई, कहते हैं बेवजह किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, और अगर सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उससे तो 10 कदम दूर ही रहना बेहतर है। जी हाँ, हम अभी जानवरों की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ जानवर इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। यहाँ पर ये दो कुत्ते बेवजह इस घोड़े से पंगा ले रहे थे और ये घोड़ा इन्हें शुरुआत में कुछ नहीं करता, लेकिन जब घोड़े को गुस्सा आया तब उसने एक कुत्ते को जमकर लात दे डाली, जिसके बाद ये कुत्ता एक जगह पर बैठ गया। इतना होने के बाद भी ये दूसरा कुत्ता रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता है ये भी एक किक मार कर ही मार। बंदरों की अतरंगी हरकतों से तो सब वाकिफ है, क्योंकि कांड करने में बंदर ही सबसे आगे होते हैं, लेकिन कभी कभार इन लोगों में भी लफड़ा हो ही जाता है, जैसे यहाँ भी हुआ। यहाँ ये दोनों बंदर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, जिसमें से ये वाला बंदर तो उड़ उड़ कर निंजा फाइटिंग कर रहा था, जिन्हें देखकर तीसरा बंदर बीच में आता है और पहले से कहता है, बस कर भाई, ठंडा ले थोड़ा, झगड़ा मत कर, और दूसरे को भी समझाता है, चल छोटे, लड़ाई मत कर, और ये दोनों इसकी बात मान भी लेते हैं। फिर अपना खाना ढूंढने लगते हैं। मानना पड़ेगा इस बंदर ने तो आज अच्छी खासी फाइट रोक दी, जिसके लिए जोरदार लाइक तो बनता है दोस्तों। अब यहाँ ये दो बेबी रकून्स रिवर क्रॉस कर रहे थे, जिसमें एक मगरमच्छ भी था जो बिल्कुल वही लकड़ी के पास आके खड़ा, जिसे एक रकून देखा और वो वहां से तुरंत भाग गया। लेकिन दूसरे रकून का ध्यान बात कर रही लेडी पर था, जो उसे बता रही थी कि वहाँ मगरमच्छ है। जैसे ही बेबी रकून ने पानी में एलिगेटर को देखा, वो वहां से भाग गया और मगर भाई का पोपट हो गया। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 24 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए 24। अतरंगी कांड करने में कुत्ते या फिर बिल्लियां ही शामिल नहीं है। एक बार मन बना लेने के बाद कोई भी जानवर कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो कोई भैंस ही क्यों ना हो। यहाँ पर ये भैंस एक प्लास्टिक की टोकरी को अपने सींग पर घुमा रही है, जो इस बात के पूरे मजे उठा रही थी। पता नहीं इसने कौन सा नशा किया है, लेकिन देखने में ये बड़ा अमेजिंग लग रहा है। बंदरों को उंगली करने की कितनी आदत होती है ये तो आप भी जानते हैं। ये खाने के लिए हर वक्त किसी से भी पंगा ले ही रहे होते हैं, फिर चाहे सामने कोई जानवर हो या फिर कोई इंसान, इन्हें तो बस कांड करने से मतलब होता है। लेकिन हमारा अगला बंदर किसी को उंगली नहीं कर रहा, क्योंकि वो बड़ा ही बहादुर है। वो इसलिए क्योंकि इस झील में केला गिरा हुआ था, जिसे ये लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन झील में इतने सारे बाघ होने की वजह से बेचारा थोड़ा डर भी रहा था, पर आखिर में बिना डरे इसने केले को हासिल कर ही लिया, जो कि काबिले तारीफ है। अभी हम आपको ऐसी खतरनाक फाइटिंग दिखाने वाले हैं कि आप भी हिल जाएंगे। यहाँ ये मुर्गा और कुत्ता दे दनादन मारा मारी कर रहे थे, जैसे दोनों में बॉक्सिंग मैच चल रही हो। बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा था। तभी कुत्ते ने हार मान ली और वहां से कल्टी ले ली। लेकिन मुर्गे का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, जो कुत्ते के पीछे उसे और कूटने के लिए भाग रहा था। पता नहीं कुत्ते ने ऐसा क्या कांड किया जिससे मुर्गा इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया था। आपको क्या लगता है? यही नहीं, इन दो जना पर भी एक नजर मार लीजिए, जो बेवजह इस लिजार्ड से पंगा ले रहे थे। लेकिन लिजार्ड को ये बात पसंद नहीं आई और इस लड़ाई ने अपनी पूंछ से इस कुत्ते को जमकर एक चपेट दे डाली, जिसके बाद कुत्ता भाई रोते हुए वहां से भाग गया। दोस्तों, बंदरों को ज्यादातर काम बिगाड़ने के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि ये जहां पर भी जाते हैं हमारा काम बिगाड़ ही देते हैं। हालांकि सभी बंदर ऐसे नहीं होते, कुछ बड़े हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, बिल्कुल इस मम्मा बंदर की तरह, जो कि यहां रखे इस बर्तन को ब्रश से साफ करने का काम कर रही है। इस वाले मंकी को भी देख लो, जो रुमाल को बड़े ही डेडिकेशन और ईमानदारी से धो रहा है।
जिसमें वो ब्रश का इस्तेमाल भी कर रहा है। भले ही भाई ने बाद में ब्रश नीचे और रुमाल ऊपर कर दिया हो, वैसे हम आपको बता दें कि इनसे ये काम हमेशा नहीं करवाया जाता। ऐसी क्लिप्स के जरिए लोगों को पता चले कि ये बंदर कितने स्मार्ट हैं, इसलिए इनसे कुछ देर के लिए ऐसा करवाया जाता है, कैप्चर करने जैसा है। आप अगर रास्ते से चल रहे हैं तो जरा ध्यान से चलना, क्योंकि इस सीसीटीवी में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर ये आदमी इतनी बड़ी टीवी लेकर रास्ते से जा रहा था कि वहीं नीचे सोया हुआ कुत्ता उसे नजर नहीं आया। फिर क्या था, ये टीवी वाले भाई साहब कुत्ते के ऊपर टीवी के साथ गिर गए, जिसमें उसने कुत्ते को अपने नीचे लगभग दबा ही दिया था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि कुत्ते ने गुस्से में आकर इसे लव बाइट नहीं दी, वरना टीवी के साथ साथ आज इसका बहुत कुछ टूट जाता। मंकी की बात करें तो सबसे पहले इनके अलग अलग कांड सबके ध्यान में आते हैं, क्योंकि यार ये शांत बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ पर दो मम्मा मंकी अपने बेबीज के साथ बैठी थी, जिसमें से एक बेबी मंकी दूसरे को हाथ लगाने की कोशिश करता है, शायद वो उसके साथ खेलना चाहता था। लेकिन उसके मम्मा को ये बात पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो उस बेबी को डायरेक्ट बजाना शुरू कर देती है, जो शायद कह रही है तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। लेकिन दूसरी मम्मा ने ऐसा होते हुए देखने के बावजूद कुछ नहीं किया, वरना यहाँ तो घमासान युद्ध शुरू हो जाता। यहाँ पर ये कुत्ता भाई साहब झील में अपना पिछवाड़ा ठंडा कर रहा था, लेकिन ये क्या, इसकी तरफ तो एक मगरमच्छ बढ़ रहा है और इसे पता भी नहीं अब क्या होगा। अरे लेकिन एक सेकंड, ये तो बीवर भाई साहब निकले, जो कि मगरमच्छ की तरह कुत्ते की ओर बढ़ रहा था, जैसा कि उसका शिकार करने ही वाला था। दोस्तों रास्ते से आप कहीं जा रहे हो तो गाड़ी को जरा संभल कर चलाना, क्योंकि ये नजारा कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, जहां एक गाय रास्ते के बीचों बीच ऐसे खड़ी है मानो ये रोड उसका खुद का हो। गाड़ी इतनी नजदीक आने के बावजूद ये डर भी नहीं रही, जिस वजह से ड्राइवर भी सोच रहा होगा कि यार ये कौन सा तरीका है लिफ्ट मांगने का। दिमाग लगाने में हम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बड़े आगे हैं। यहाँ पर ये ऊंट इस लकड़ी के बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसने बड़े आसानी से अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और इस लकड़ी को पार कर लिया। इसके मालिक ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसका ऊंट इतना इंटेलिजेंट है। ओरांगुटान कितने प्यारे होते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। कई जू में तो इन्हें बाहर ही रखा जाता है, जहां लोग इनके पास बैठकर साथ में फोटो खिंचवा सके। लेकिन यहां सीन कुछ और है, जिसमें पिंजरे में रखे इस ओरांगुटान से मिलने के लिए एक लड़की उसके पास जाती है, जिसे ये ओरांगुटान पहले तो बड़े प्यार से हाथ लगाता है, लेकिन लगता है इस ओरांगुटान भाई साहब को इस लड़की का टॉप जरा ज्यादा ही पसंद आ गया, क्योंकि जैसे ही भाई ने टॉप को पकड़ा उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पत्ते भी दिए गए, लेकिन अपना भाई तो स्मार्ट है, जिसने दूसरे हाथ से पत्तों को तो ले लिया और टॉप को भी नहीं छोड़ा। लगता है बेचारी लड़की को अपना टॉप उसे ही गिफ्ट करना पड़ेगा। एक शहर में भारी बरसात की वजह से सभी जगह पर पानी भर गया, वहीं ये बिल्ली भी थी जो इस घर की छत पर फंसी हुई थी। बिल्लियां तो पानी से डरती है, इसका मतलब ये बिल्ली पानी में नहीं कूदेगी, लेकिन यहां तो बिल्ली ने एक स्विमर जैसी पानी में छलांग लगाई और गायब ही हो गई। Bang, itu kucing tu nyemplung. लगता है ये बिल्ली पहले ही स्विमिंग में गोल्ड मेडल ले चुकी है। हम अगर किसी जानवर को